तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज एक रिएक्शन पर देना चाहती हूँ एक चैनल पे जिन्होंने एक वीडियो बनाई है कब्र के अंदर 24 आवर चैलेंज किया है और उसका इतना पूरा हुआ है। आप देख के भी सोच भी नहीं सकते इस तरह अल्लाह की कुदरत को कभी भी इंसाफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह सबसे बड़ा है, रहीम गफूर रहीम है, बहुत ही मेहरबान है। बहुत ही ख़तरनाक होता है जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं उन लोगों ने किस तरह से कब्र का 24 आवर चैलेंज किया और उनके साथ कितना बुरा और कितना भयानक मंजर था। तो उसी तरह चलिए उन्होंने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो मैं आपको इनको तो गाइस आज फाइनली कर रहे हैं भाई बरीड अलाइव फॉर 24 आवर चैलेंज। मैं गाइस जमीन के अंदर भाई जिंदा दफन हो जाएंगे। गाइस मम्मी का कहना है कि जो भी करना भाई सेफली करना। तो गाइस सारी चीजें भाई सेफली करेंगे। तो देखते हैं गाइस कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ये देख लो गाइस अभी तो भाई 1 बजे यहाँ पे होगा भाई बरीड अलाइव चैलेंज। इसके अंदर गड़ेंगे भाई 24 घंटे के लिए। भाई साहब गाइस पहले से ही भाई सब कुछ तैयार है। ये देख लो गाइस पूरा गद्दा वद्दा बिछा रखा है, पूरे लग्जरी थाट मिलेंगे भाई। अभी ये देखते भाई इसके अंदर भाई क्या क्या सुविधा मिलेगी हमें। ओ भाई साहब ये देख लो भाई यहाँ पर भाई पूरा जुगाड़ है। ओ भाई पंखा भी लगा रखा है, स्विच भी लगा रखा है भाई साहब, कैमरा भी है, लाइट भी है भाई। ये क्या भाई ऐसे हवा आ रही है भाई साहब। ये देख लो भाई हवा का जुगाड़ भी है गाइस यहाँ पर भाई सब कुछ है। डर लग रहा है मजा आ जाएगा ना। तो गाइस अभी फाइनली भाई बरीड अलाइव फॉर 24 आवर चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्साइटमेंट गाइस अलग ही लेवल की हो रही है और थोड़ी घबराहट भी हो रही है। रेडी है भाई गाइस अभी भाई 24 घंटे के बाद ही बाहर आएंगे। देखते गाइस कैसा रहता है एक्सपीरियंस। गाइस पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, बाहर सारी चीज रहेगी, वॉकी टॉकी वगैरह, कैमरे वगैरह, कैमरा लगा रखा अंदर, सारी चीजों की सर्विलेंस रहेगी। तो पूरा सेफ तरीके से कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत होती है ना तो गाइस जब ही निकाल लेंगे, है ना। कस्सी वस्सी गाइस सारी चीज तैयार है। तो गाइस फाइनली नीचे जा रहे हैं। चलो बाय। तो गाइस बाय। ठीक है भाई बस एक चीज का डर है नेटवर्क ना चले जाए भाई फोन के। नेटवर्क चलेगा तो मैं यूट्यूब कैसे चलाऊंगा, नींद नहीं आएगी मुझको रात। बात तो सही है गाइस हमने भाई बंद किया है, उसके ऊपर मिट्टी भी डालेंगे। गड्ढा बिल्कुल ऊपर ढक दिया है, पानी चाहिएगा, खाना चाहिएगा, तो यहाँ से उनको भेज देंगे। मिट्टी डाल रहे भाई ऊपर से। गाइस तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जो डब्बा है ना गाइस जिससे हवा आ रही है ये ना गाइस एसी की हवा है। तो गाइस ये देख लो भाई अभी फिलहाल 1:30 बज रहे हैं और मस्त मजे आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी फिटेड हवा आ रही है गाइस, घर से ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। और गाइस ये देख लो भाई मिट्टी का प्रेशर भाई पूरी ना गाइस लकड़ी टेढ़ी होगी, ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर आगे गिरे। ये देख लो भाई भाई जिसने बरीड लाइव चैलेंज किया है ना गाइस उसने भाई ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ साथ में रखा है। अगर ऑक्सीजन रखा नहीं है ना गाइस जैसे हमने पाइप वगैरह छोड़ रखे है ना, हमने ना भाई और ज्यादा इसको मॉडिफाई किया है, एक तरीके से गाइस लग्जरी किया है। गाइस ये बोल सकते हैं कि हमने भाई अंडरग्राउंड छुट्टी मनाने आए हैं। मतलब ये देख लो गाइस छोटा सा रूम है, अगर मिट्टी आती है ना तो हमने वैक्यूम क्लीनर भी रख रखा है, छोटे वाला स्पीकर भी मंगा लिया अपना। तो चलाते हैं इसको नाश्ते। गाइस अभी मैं खाना ऑर्डर करूंगा, एड्रेस में यही का डालूंगा। और भाई जो डिलीवरी बॉय आएगा ना भाई, भाई पाइप जा रखा है, उस पाइप का एड्रेस दे दूंगा भाई, पाइप के अंदर से गाइस खाना छोड़ देगा भाई। मस्त प्लान गाइस, ऐसा खाएंगे जिससे एनर्जी ज्यादा है और पेट में जगह कम बने। पानी पीने से टॉयलेट आई। बात तो सही है, टॉयलेट के लिए तो बोतल मंगा लेंगे ना, ऊपर से बोतल उठा लेंगे। पानी दे रहे भाई को बड़े बड़े बोर हो, फोन भी चला गया हमने, पानी भी लिया, नाच भी लिया हमने, गाने भी सुन लिए, सारे से बोर हो गए, मन कर रहा है बाहर घूमने का, बाहर जा नहीं सकते। तो गाइस देखो कितना खराब मौसम हो गया, और बारिश का मौसम हो रहा है, अब इसको ढकना पड़ेगा नहीं तो पानी अंदर जा सकता है भाई। ये देखो भाई साहब, भाई साहब आंधी देखो कितनी जबरदस्त है भाई साहब, बारिश आ गई, बिजली देखो कैसे चमकने लग रही है। और भाई नीचे अंदर है देखो भाई, भाई साहब ये देखना तूफान के साथ बारिश, भाई साहब ये देखना तूफान के साथ बारिश, और ये भी आज ही होनी थी भाई। चक्रवाती तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है, तूफान से तबाही कितनी भीषण है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस बाहर ना भाई तूफान आ गया और सब पानी वानी सब उड़ गया और बारिश भी आ रही है। आवाज देखो भाई कैसे आ रही है। तो
बड़े वाला तूफान आ गया भैया। गाइस डर लग रहा भाई, कभी चैलेंज कैंसिल ना हो जाए। ये देखो भाई पानी गिरने देते हैं भाई। गाइस लाइट भी गई। गाइस ये चैलेंज ना भाई खतरनाक होता जा रहा है। कैसे पानी ना गिरने लग जाए भाई, बाहर निकलना पड़ जाएगा अभी। वो आ गया, आ गया। ओ भाई जल्द 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 इसको हटा दे, इसको हटा दे। ओ भैया ओ फोन, ओ कैमरा मेरा सब उठा। गाइस सीन हो गया भाई। भाई ओए निकाल लो। देखो भाई साहब ये देखो तूफान के साथ बारिश, ये भी आज ही होनी थी भाई। ये देखो भाई साहब बुरा हाल, बुरा हाल, बुरा बुरा हाल हो गया भाई। और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए भाई साहब गलत हो गया। देखो भाई मेरे आदमी साहब जो है देखो तूफान के साथ बारिश, बिल्कुल नहीं पता था जल्दी जल्दी तेज बारिश आ जाएगी। जबरदस्त बारिश हो गई आंधी के साथ, बुरा हाल सबका भाई। कहीं चैलेंज बीच में ना छोड़ना पड़े भाई। दो ओले पड़ने लगे, ओले मोटे मोटे ओले, दो ओलों की आवाज ओले पर ना होते। ये देखो भाई दो ओले भाई बर्फ गिरने लगी। देखो भाई आज ही खराब होना था ये मौसम भी। हो गया भाई सारा, वो देखो कितना पानी। The next day. बच गया गाइस, अजय बच गया भाई। अजय ने सांस रोक ली थी और मेरे मुंह में गाइस पानी चला गया था, सबने मिलकर निकाल लिया। वे अजय की मम्मी भी आई हुई है गाइस। गाइस मामा भी आए हुए हैं। मम्मी कह रही है पहले मना किया था मैंने। गाइस एक गलती कर दी मम्मी। गाइस जिस दिन रोने लगी थी ना ये चैलेंज सुन के, नहीं करना था गाइस। कल से लेके अभी तक ना भाई हॉस्पिटल में ही है, तो अभी यहीं रुकेंगे 3-4 दिन। अनएक्सपेक्टेड ही हो गया, सारी सेफ्टी का जुगाड़ किया था, सब कुछ लगाया था उसमें, टाइम ऐसा आएगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया सब कुछ, तेज तेज तूफान आने लग गया, बारिश आने लगी। गाइस लाइफ की भाई सबसे बड़ी गलती कर दी, जो मम्मी की बात नहीं मानी। गाइस जो भी देख रहा है भाई मम्मी की बात माना नहीं। गाइस मम्मी की बात माननी नहीं चाहिए थी। अब से भाई मम्मी की सारी बात मानेंगे, ऐसे ऐसे सारी बात मानेंगे अब। ये देख लो गाइस अजय भाई सोच में पड़ गया। ये देख लो गाइस 24 आवर्स चैलेंज करना था, बरीड अलाइव 24 आवर्स इन हॉस्पिटल हो गया। गाइस हमारा भाई एक दिन पहले प्लान था कि बरीड अलाइव चैलेंज करेंगे, पर गाइस उस दिन भाई बारिश हो गई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। जो दिन बिल्कुल सही लगा ना धूप वाला दिन था, उस दिन भी भाई बारिश होगी। और गाइस सिर्फ 20 मिनट के लिए बारिश हुई, पूरा तहस नहस हो गया गाइस। ये देख लो गाइस चीनू मिलने आए, चाचा भी मिलने आए हैं। बहुत अच्छा भाई। हाँ ये देख लो गाइस, गाइस जो हमारे साथ हो गया ना भाई ये किसी के साथ भी नहीं हुआ। बाकी गाइस फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग, तो गाइस अभी हॉस्पिटल में बैठ के एडिटिंग करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हेट आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे भाई का चैनल निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स आपने देखा अपने माँ बाप की बात तो माननी ही चाहिए बच्चों को, लेकिन अल्लाह की कुदरत से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। कब्र कोई मजाक की जगह नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार के खात्मे के बाद कब्र में दाखिल होता है और उसके अच्छे और बुरे अमालों की सजा और सजा उसको वहाँ मिलती है। इसलिए ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, अल्लाह के गुस्से की कदर।